अब मेरे को मिला है ये ग्रीन वाला क्रीम एंड अनियन करके, इससे आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पे टीवी वजह से। सबसे बढ़िया वाला सीट आ जाता है इस बस का, वो स्लीपर सीट है। वॉल्वो B8R, वॉल्वो B11R, कभी कभार स्कैनिया, कभी कभार ऑर्डिनरी बस। इंडिया में तो मेरे पास सिर्फ इतना ही कंटेंट था। देवी और सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। मेरे पीछे देखिए आज की जर्नी होने वाली इन दिस अमेजिंग डबल डेकर बस, और मैं हूँ अभी बांग्लादेश में। बांग्लादेश के चिटागोंग से ढाका तक होने वाली है जर्नी, और जर्नी होने वाली है सोहाग परिवहन की इस बस से। ये है स्कैनिया 4110 चेसिस पे बनी हुई बस। लक्सना कंपनी ने जो है बॉडी बनाई, जैसे हमारे वहाँ पे वीरा वगैरह होता है ना, वैसे लक्सना ने बॉडी बनाई है। बॉडी का नाम है SR2 डबल डेकर। बाहर से जितनी सुंदर और अमेजिंग ये है ना, अंदर से उससे कई ज़्यादा है, क्योंकि एक तो स्कैनिया, ऊपर से डबल डेकर, ऊपर से जो है ये बिजनेस क्लास बस है, 2x1 बिजनेस क्लास, और अंत में द अमेजिंग ड्राइवर्स ऑफ बांग्लादेश। तो इस वीडियो में मज़ा बहुत आएगा, अंत तक देखिए, ये एक्सपीरियंस शायद आपको मिस नहीं करना चाहिए। फिलहाल चलते हैं, जैसे ही बस खुलती है मैं बस के इंटीरियर वगैरह आपको दिखाता हूँ अच्छे से, और यार जर्नी शुरू करते हैं यार इसमें। और सोहाग जो है वो बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है बांग्लादेश की, तो जैसे ये लाउंज वगैरह है हमारे इंडिया में तो चलो फिर भी, ये जिंग बस, इंटरसिटी, ये सब कंपनी आई तब चालू हुआ। इनका ये सिस्टम जो है बस में चढ़ने से पहले आप लाउंज एक्सेस करो, ये बरसों से चलते आ रहा है। और यार बस देखिए, आपको बस देख के पता चल जाएगा कि रोड ट्रैवल का कल्चर यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ही आपके लिए अपर डेक के लिए स्टेयर्स है, और ये रहा ड्राइवर केबिन। चेसिस जो है बस जो है वो है स्कैनिया की, देख सकते हैं जैसा होता है वैसा, ये सब कुछ कंट्रोल वगैरह है, लाइट वाइट का ये सब, और उस साइड टेक्निकल कंट्रोल से सब स्कैनिया के। डीफॉगर है यहाँ पे ड्राइवर के लिए, एसी है, हेडरूम थोड़ा कम है बट ठीक है। लोअर डेक में यहाँ पे सबसे पहले एक सबसे बढ़िया वाला सीट आ जाता है इस बस का, वो स्लीपर सीट है। इसका कॉस्ट है 1700 rupees, सिर्फ सिंगल सीट है ये स्लीपर में। फिर जो है बिजनेस क्लास में ऐसे सीट्स आ जाते हैं 2x1, सब जो है इसमें देख सकते हैं सेमी स्लीपर सीट्स है। पानी का बॉटल है, और यहाँ पे जो है आपके लिए एक टीवी दिया हुआ है, CCTV है। लेग स्पेस देखिए आप, लेग स्पेस यहाँ पे तो मतलब दो आदमी बैठ ही जाएंगे, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे शायद ब्लैंकेट्स वगैरह रखे हुए हैं, और बांग्लादेश में कह फिर से कह रहा हूँ यार, लोग मतलब शौक से ट्रैवल करते हैं बस में, सब बस ही उनकी एयरप्लेन है ऐसा। और ये था लोअर डेक, अब चलते हैं ऊपर। तो ये एक गेट जो है यहाँ पे भी दिया हुआ है, निकलते हैं। और ये आ गया अपना पर डेक पे, तो जो फ्रंट रो जो सीट मेरे को चाहिए थी E2, ये मेरे को नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। इससे आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पे एक टीवी है वैसे, और यहाँ पे जो है सेम 2x1 सीट से लास्ट में ब्लैंकेट रखा हुआ है। जो सीट मेरे को मिला है I1J K1, ये वाली यार काफ़ी पीछे है, बट क्या करें ना यार, रश बहुत ज़्यादा है, कल की एक भी टिकट नहीं मिल रही, कल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और ऑलमोस्ट जो देखिए कि टच ही हो रहा है, 6 फुट कम है, और ऑब्वियसली डबल डेकर बस है तो थोड़ा सा ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं कि ताकि सब कुछ जो एडजस्ट हो जाए, कहीं ब्रिज या टनल इन सब में जो है लग ना जाए। बस पानी वानी सब दिया हुआ है आपके लिए, यहाँ पे सब पुश बैक सीट से चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल रहा मेरे को, CCTV है। ये है कंपनी जिसने बस की बॉडी बनाई, ये है लक्सना। तो जो फेयर मैंने पे किया है वो है बांग्लादेशी टाका 1400, कितने किलोमीटर के लिए, 200 किलोमीटर के लिए। हाँ बट ज़्यादा है फेयर, लेकिन देखना भी तो पड़ेगा ना आप किस पे बैठ रहे हो। वहाँ पे जो है सब लगेज लोड हो रहा है पैसेंजर्स का। इस बस में जो है रियर इंजन है तो डिकीज़ का, फिर पीछे ही है,
और ऑलरेडी डबल डेकर है तो यहाँ पे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते टिकट। अब बात करें बस की हाइट की, तो वो इन्होंने मुझे 20 फुट बताया जो कि 6 मीटर के आसपास है, और लेंथ है इसकी 56 फुट, मतलब 17 मीटर के आसपास। जो वॉल्वो B11R आप देखते हैं इंडिया में वो कुछ 15 मीटर के आसपास होती है, ये जो है थोड़ी सी लंबी है 17 मीटर। हॉर्स पावर जो है वो होगा 410 और मैक्सिमम स्पीड शायद 90 पे लॉक हो सकता है। जर्नी को शुरू करते हैं, आपको इसमें कोई भी नेशनल हाईवे 44 देखने को नहीं मिलेगा। इसमें अपन जाएंगे बांग्लादेश के रोड से, बांग्लादेश से सीनिक नज़ारे को एक्सप्लोर करेंगे, बांग्लादेश के कई सिटीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे क्रू से, क्योंकि मेरे पास ना सिम नहीं है अभी, नेट नहीं है, मतलब सुबह लास्ट में होटल से निकला था, वाईफाई वहाँ पे यूज़ किया, फिर जो है मेरे पास सिम विम मिला नहीं, टूरिस्ट का सिम, फिर जो है कोई नेट यूज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, और मतलब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी है ना बिल्कुल मतलब नर्क है विदाउट इंटरनेट। रूट टा एकटू बोलबेन एखान थेके किभाबे ढाका जाबो? প্রথমে পড়বে আপনার বারিয়ার, বারিয়ার উপরে কোনো ক্লিনিক, পরে আপনার কুমিল্লা, কুমিল্লার পরে আপনার দাউদকান্দি, দাউদকান্দি মেঘনা। আচ্ছা, মেঘনার পরে আপনার চট্টগ্রাম। কত 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 টাইম লাগবে? ম্যাক্সিমাম তো আমাদের 6 ঘন্টা লাগে, ধান যত না হলে 7 ঘন্টা আর কি। পুরো বাসের কত কস্ট আছে? 6000 বডি বুঝো না না দাম দাম দুকুটি আপনার দুকুটি প্রায় দুকুটির কাছে কাছে, এটা পুরো সব মিলিয়ে তো সব মিলিয়ে। তো আপ চলতে উপর, পুরো পসিনা পসিনা হয়ে গিয়া বেসে, और सीट पे बैठ के मैं बताता हूँ कंफर्ट कैसा है। J1 के भाई साहब, अरे यार मज़ा आ गया। हाँ मैं कह रहा था ना कि चार्जिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, मैं आपको दिखाता हूँ चार्जिंग पॉइंट कहाँ है। चार्जिंग पॉइंट है USB ऊपर, साथ ही साथ जो है यहाँ पे अटेंडर कॉल बेल है, यहाँ पे सब रीडिंग लैंप वगैरह हो गए। पर यार बस की कॉस्ट सुन के यार मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब 2 करोड़ में अगर ऐसी बस मिल सकती है तो क्यों नहीं। और इसके जो पुशबैक स्विचेस है वो आर्म के अंदर दे रखा है, इससे जो है ये वाला आपका उठ जाएगा, और साइड में एक और स्विच है, इससे जो प्रॉब्लम है। भाई साहब क्या कंफर्ट है यार, पूरा मतलब जैसे कहते हैं ना कि एयर इंडिया बिजनेस क्लास में पूरा मतलब रिक्लाइनर बेड्स टाइप का, मतलब एक तरह से जो है स्लीपर बस ही बन गया।
शाम के जो है 6:15 हो रहे, हमने कुमिल्ला पे अपना 20-25 मिनट का मतलब नाश्ते का ब्रेक ले लिया, चाय नाश्ते का। देखते हैं अंदर जाके क्या मिलता है, क्योंकि नींद विंद आ गई। मतलब क्या है कि इतना ट्रैफिक था ना, और ये 4-lane road में इतना ट्रैफिक होने की वजह से क्या है कि थोड़ा सा मतलब स्पीड चढ़ा रहे हैं 70, 60, 65, 70, फिर तुरंत सामने गाड़ी आ जा रही है। कोई नहीं, अभी चाय नाश्ता करते हैं, और थोड़ी देर बाद तो यार शाम हो जाएगी, तो तब दिखाने को कुछ रहेगा ही नहीं। जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे जिसमें मैं आपको ये वाला रूट एक्सप्लोर करवा दूंगा। तो यहाँ पे मेनू की बात करें, यहाँ पे राइस है, फिर सब्जी वगैरह है, जैसे मतलब कोई भी वेजिटेबल हो गया, चिकन हो गया, नॉन वेज हो गया, दाल है, क्योंकि अभी भाई शाम के 6:15 हो रहे हैं, तो वो सब नहीं किया मैंने। नाश्ते में जो है यहाँ पे सैंडविच, बर्गर, पैटीज, रोल, ये सब है, और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह। तो मैंने एक चिकन बर्गर लिया है, ऐसा है कुछ, ये जो है पहले मतलब रखा हुआ था, फिर गर्म करके दे दिया, और साथ में लिया एक चाय, वो बहुत ज़रूरी है। और ये आगे मेरी चाय, ये लिखा हुआ है हाईवे इन, ये होटल का नाम है। और क्या है कि इस ढाबे पे जो है मतलब स्नैक्स के लिए भी 20-25 मिनट रुक रहा है। और बस चाय नाश्ता हो गया मेरा। यहाँ पे है एक कुरकुरे, और बचपन से रेड कुरकुरे खाते आ रहा हूँ, रेड कुरकुरे, उसके अलावा कुछ छुआ नहीं है, मसाला मन जो है। अब मेरे को मिला है ये ग्रीन वाला, क्रीम एंड अनियन करके, ये हमारे इंडिया में शायद नहीं बिकता, तो इसको ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ। अच्छा है एक तरह से, इसका जो प्राइस है वो है बांग्लादेशी टाका में 25, और जैसे इंडिया में हमारा सिस्टम होता है ना कि जो ग्रीन लाइन की, तो जैसे इंडिया में हमारा सिस्टम होता है ना कि जैसे रेस्टॉप पे जो दुकान नॉर्मल है सब चिप्स वगैरह बेचते हैं, वो MRP से ऊपर बेचते हैं, सेम यही है। जो डेयरी मिल्क हमारे वहाँ पे 10 की मिलती थी, इन्होंने उसके लिए 25 मांगा, 25 यहाँ का मतलब इंडिया का 20 तो मान ही लो, ओवर प्राइस चीज़ है। जो भी है, जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। हाँ, आज मेन प्रॉब्लम एक्चुअली क्या हुआ, बोरिंग नहीं, लेकिन वीडियो लेने के लिए यार प्रॉपर स्पेस नहीं बन रही, क्योंकि ना तो कैबिन में पूरा जगह है, क्योंकि वहाँ पे सीढ़ियाँ चालू हो जाती है, ना ऊपर जगह है मेरे को, ना मेरे खिड़की में से मैं वीडियो ले सकता हूँ, खिड़की से यार तो मज़ा भी नहीं आएगा, और सामने वाली सीट मेरे को मिली नहीं, तो इन सब पंगों की वजह से जो है थोड़ा सा आज का वीडियो डाउन हो गया। और वैसे मैं बताना भूल गया था, शायद वो मेंशन करना मैं भूल गया था, बस जो है अपनी मल्टी एक्सल है, ये जो टायर है ये सामने वाले के साथ सिंक है, मतलब स्टीयरेबल टायर एक्सल बोलते हैं, वो सामने वाला जो है राइट मुड़ेगा ना, तो ये जो है लेफ्ट की ओर मुड़ जाएगा, ताकि बस को अच्छा एक टर्निंग मोमेंट मिल सके। फिर जो है यहाँ पे देखिए इनके नंबर प्लेट जो है, मतलब हर बस का मैंने देखा है कि नंबर जो है सब ग्रीन में, तो शायद इनका ऐसा होगा कमर्शियल नंबर प्लेट ग्रीन है, मतलब शायद नंबर प्लेट ये दर्शाता है कि भाई हमारी बसें जो है 100% इलेक्ट्रिक है, इंजन जो है चालू हो चुका है, तो प्रोबेबली हम अंदर जाके भी बैठ सकते हैं। चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं, 2-4 फोटो यहाँ पे लेता हूँ बस का, क्योंकि वापस इंडिया जाके यार इतनी खूबसूरती तो नहीं मिलेगी। शाम के 6:30 बज रहे, अपन क्रॉस कर रहे हैं कुमिल्ला नाम की जगह। सुपरवाइजर सर ने मुझे बताया कि कुमिल्ला का जो रसमलाई है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है पूरे बांग्लादेश में, काफ़ी पुरानी जो है डिश है, और इस दुकान का नाम जहाँ पे वो प्रसिद्ध है वो है मातृ भंडार कुमिल्ला। वैसे तो यार हर जगह कॉपी दुकान की मिल जाएगी, पर आपको यार अगर खाना है तो आपको रियल दुकान पर पहुँचना है, वो है
कुमिल्ला का मातृ भंडार। देखो ज़िंदगी में हॉल्ट्स बहुत लिए हैं, कभी बायो ब्रेक के लिए लिया है, कभी चेकिंग के लिए लिया है, कभी इमिग्रेशन के लिए लिया है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए लिया है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम हमने हॉल्ट किया है नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ पढ़ने के लिए जो 10 मिनट का ब्रेक है, बस जो है एक मस्जिद के बगल में रुके। एंड मैं इस चीज़ को यार पूरा सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि अगर उनका कैसा रूल है या वो मानते कि शाम को जो है पढ़ना चाहिए तो ठीक है, क्योंकि ट्रैवल करते टाइम वो छूट जाए वो अच्छा नहीं है। इनके ट्रेन पर भी मैंने देखे कि अलग से जो है प्रेयर रूम बना होता है, इवन एयरपोर्ट पर भी आप देखते होंगे, जस्ट इसीलिए कि वो जो मानते हैं उसको जो है वो पूरा कर पाए। बाकी कुछ नहीं, मेरे को एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी वो है बस की लाइट। ये देखिए लाइट देख रहे हैं, इनके जो इंडिकेटर या पार्किंग मतलब वो पार्किंग वाले लाइट थे, ये कैसे मतलब ऐसा लग रहा है मतलब कोई लग्जरी गाड़ी है। यहाँ पे लिख रहा है शोआक की स्कैनिया फ्रॉम स्वीडन। अंदर भी लाइट्स देखिए सब चमक रहे हैं, ये सब लाइट्स मतलब यार काम बहुत बढ़िया किया है यार, बॉडी का काम बहुत बढ़िया बोलना ही पड़ेगा। पौने 10 बज रहे हैं, हम एंटर कर रहे हैं ढाका। आज जो एक किस्मत थोड़ी ख़राब है, मतलब पूरे रास्ते पर ट्रैफिक मिला है, अभी भी बिल्कुल ट्रैफिक में फंसा है ढाका एंटर हुए, मतलब आधा घंटा हो गया अभी तक पहुंच नहीं पा रहे। बाकी कुछ नहीं, दिक्कत मेन दिक्कत क्या है पता है कि मेरे पास है ना सुबह से नेट नहीं, तो मैं कल का प्लान नहीं कर पा रहा, कल के टिकट्स नहीं देख पा रहा कि क्या है बस के टिकट्स, ट्रेन के टिकट्स अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि मेरा प्लान था सिलेट का, उसमें ट्रेन के टिकट्स रिटर्न में मेरे को नहीं मिले, तो इसलिए जो है वो सिलेक्ट को एक्सचेंज करके मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, जो कि मैं भी होटल जाके सोचूंगा। शाम को कुछ 7:30 बजे के आसपास पहुंचना था, पर अभी लग रहा है 10:30 बज जाएगा। और गाइज यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। जैसे मैंने वो क्लिप शूट किया कि मेरे को अवेलेबिलिटी पता नहीं है, मेरे पास नेट नहीं है, वीडियो शूट किया, तुरंत मेरे को पीछे से किसने बुलाया और बोला कि कल तुम जा सकते हो, जाने की टिकट अवेलेबल है। तो उस हिसाब से मैंने ट्रिप अपना रीप्लान किया और ऐसा सोचा कि जाएंगे जो है पर्वत एक्सप्रेस में, रिटर्न जो है किसी भी बस में कर लेंगे, और बस के लिए बहुत भागा दौड़ी हो गया इसलिए लेट हो गया। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि तुम कमलापुर जाओगे तो तुम लास्ट स्टॉप बोर्डिंग पॉइंट जो है मालीबाग जाके क्या करोगे, तुम यहीं पे उतर जाना, यहाँ से ब्रिज मिल जाएगा, वहाँ से 5 मिनट है। तो मैं बैग लेके तुरंत गया, सुपरवाइज़र ने बोला कि सब कुछ अंदर डाल लो, मोबाइल हो गया, कैमरा वैमरा हो गया, सब कुछ जो है आप अंदर कर लो, फिर वहाँ पे उतर जाना। वो ब्रिज मेरे को दिखा दिया, मेरे को बता दिया कि समझ गया ना इससे जो चढ़ना है, बाएँ जाना है, बाएँ जाना, ऐसे करके बोल दिया। मतलब मेरा जो 100-150 रुपये भी ऑटो में लगने वाला था वो नहीं लगा, आराम से जो है इज्जत से मैं यहाँ पे आ गया था कमलापुर। बस हमारी लेट हो गई ट्रैफिक की वजह से, और मैं लेट हो गया क्योंकि मेरे पास सिम नहीं है, इसलिए इधर से उधर भागा बस के लिए। तो फाइनली डिसाइड किया कि लंदन एक्सप्रेस की बस ट्राई करेंगे, मैन की बस देखी बहुत ज़बरदस्त, और ऑप्शंस और ढूंढेंगे कि अगर कुछ और हो, ह्यूंडई यूनिवर्स वगैरह या किसी और ऑपरेटर का हिनो वगैरह, तो वो सब ट्राई करते हैं यार। बाकी कुछ नहीं, आपका ये ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मज़ा बहुत आया, और बांग्लादेश के और ब्लॉग्स आएंगे, प्रीमियम बसेस का ग्रीन लाइन बोल दीजिए आप, लंदन एक्सप्रेस बोलिए आप, एना बोलिए आप, हनी बोलिए, सैमोली बोलिए, जो जो भी पॉसिबल हो पाता है इस बार करते हैं। और लास्ट में ये जो सीरीज़ है, मतलब ये जो बैक टू बैक ब्लॉग्स डाल रहा हूँ, ख़त्म करते हैं मैत्री एक्सप्रेस का ब्लॉग डाल के,
फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता देता हूँ, मैं अपना होटल आ चुका हूँ। ये छोटा सा कमरा है, ऐसा सिंगल बेड है, एसी है जो कि मेन है इसीलिए लिया है ऐसा। ये बस ज़्यादा कुछ है नहीं, बाथरूम भी बहुत छोटा है, बेसिन तक नहीं है। कोमलापुर से 5 मिनट या 5 भी नहीं, शायद 3-4 मिनट वॉकिंग है। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह ट्रेन पकड़ना होता है, सुबह भागा दौड़ी करके कोई फ़ायदा है नहीं, थोड़े बहुत पैसे का ज़्यादा लग रहा था, यहाँ पे आ जाता हूँ। बाकी यार थोड़ा बेड बग्स वगैरह है, लेकिन जो यहाँ पे स्टाफ बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब टूरिस्ट के लिए ऐसा वेलकमिंग, ऐसे नहीं कि ये आए इसको लूट लो, बहुत वेलकमिंग है। बाकी कुछ नहीं, आज रात को डिनर विनर नहीं होगा, ये बस ठंडा पानी का बोतल पियेंगे, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होएंगे और सो जाएंगे। फिर मिलते हैं एक और व्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें तूफान आंधी आए बरसात हर मंगल शुक्र आपके।